पाकिस्तान में क्रिकेट वह चीज़ है जो पूरी कौम को एक लरी में परो देती है। 11 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम जब भी मैदान में उतरती है तो मुल्क के 22 करोड़ अवाम के हाथ खुद ब खुद दुआओं के लिए उठ जाते हैं, और जब हमारे खिलाड़ी बुरा खेल कर हारते हैं तो पूरी कौम में गम और गुस्से की एक लहर दौड़ती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम इस वक्त सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी हैं। ये दुरुस्त है कि असर हाजिर में बाबर आजम दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन बतौर कप्तान और टीम के रुकन के तौर पर इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा मुतासर कुन नहीं रही। अब आपको एक दिलचस्प बात बताएं कि ये क्रिकेटर खेलें या ना खेलें, अगर पीसीबी ने इनसे साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इन्हें हर महीने बाकायदा तनख्वाह मिलेगी। बाबर आजम को महाना 12,50,000 रुपये, मोहम्मद रिजवान को भी 12,50,000 रुपये, शाहीन अफरीदी को भी 12,50,000 रुपये और हसन अली भी महाना 12,50,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं। रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले अजहर अली को महाना 9,37,500, वहीम अशरफ को भी 9,37,500, जबकि फ़खर जमान, फवाद आलम, शदाब खान और यासर शाह को भी हर महीने 9,37,500 की पुरकशिश तनख्वाह मिलती है। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद, अमामुल हक, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, नमान अली और आबद अली को महाना 5,62,500 रुपये मिलते हैं। ये वो पैसे हैं जो इन खिलाड़ियों को हर महीने तनख्वाह की सूरत में मिलते हैं। टेस्ट, वन डे और T20 के लिए हर मैच के लिए अलग से लाखों रुपये मिलते हैं, जबकि PSL और दीगर इवेंट से मिलने वाली रकम अलग होती। अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि करोड़ों रुपया और ढेरों मरात और सहूलियात लेकर खेलने वाले क्रिकेटर्स पर तनकीद करना क्यों और कैसे गलत हो सकता है।